नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपके सामने सीधे फैक्ट रख रहे हैं। आज के मेहमान हमारे साथ निशा जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत हम दिखाएंगे। ये टीचर हैं जो बताएंगे समाज के बारे में। 4 साल हो गए हैं डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, जानेंगे इनके साथ बातचीत करके। निशा जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब से हमने नाम लिया, मतलब कि हमने 20-25 सालों से नाम लिया हुआ है। मेरा पूरा परिवार सत्संगी परिवार है, मेरे पापा भी भंगीदास है, पूरे मतलब हमारे गांव में सेवा करते हैं मेरे पापा भी और भैया भी। ठीक है मैम, मतलब कि जब से हमने अपने उसमें नाम लिया ना, पिताजी की बहुत ही ज़्यादा रहमत है। जब से पिताजी गए हैं ना, हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भ्रूण हत्या होने लग गया। जैसे यहाँ पे भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आपको सब पता ही है कि जैसे मीडिया को पैसा दिया जाता है, मतलब कि इनको पैसे दे के झूठ बुलवाया जाता है, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मैम आप कह रहे हो आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। हाँ जी मैम, क्यों झूठे रोप क्यों मैम? ये कि जैसे उनके साथ इतनी दुनिया जुड़ रही है, करोड़ों के हिसाब से दुनिया जुड़ रही है, आपके सामने आप आते हो यहाँ पे, मतलब कि पूरा पंडाल ये फूल का फूल होता है। आप जब भी आते हो आपने देखा ही होगा, मतलब कि अब देखो किसी के साथ कोई अगर सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उनके हर कोई भी किसी के कोई भी संत लगा लो, सबके साथ जुलम हुए हैं। किसी को भी लेके आओ आप, जिसके साथ दुनिया जुड़ती है कि ये नशा, मतलब नशा ना करें, जैसे ऐसे अगर कोई मतलब कि इनको ना ज़्यादा वो करते हैं पीछे से, मतलब फोर्स किया जाता है कि मतलब कि इनके साथ नहीं जुड़ना, मतलब कि फिर भी पिताजी इतनी रहमत है उनके साथ बहुत, जिसको विश्वास है वो तो आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन रोका तो दुनिया वालों ने आज भी रोक रहे हैं कि इनके साथ मत जुड़ो, लेकिन नहीं, जिसको विश्वास है वो तो आज भी जुड़ रहे हैं। 6-7 करोड़ आपको भी पता है मैम, 4 सालों से वो नहीं है, तो अब क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज के ऊपर, मतलब कैसे क्या महसूस हो रहा है उनके ना रहने से? क्या नहीं, हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि पिताजी तो हमारे यहाँ है। जरूरत है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जरूरत है हमारे देश को, क्योंकि देखो जब से पिताजी गए हैं फिर कितना यहाँ पे, मतलब लड़कियों का भी फिर से वही होने लग गया, मतलब भ्रूण हत्या शुरू होने लग गया दोबारा से, कितना नशा फैल गया। जब से पिताजी थे, इतना समाज सुधारक, ये सफाई अभियान, इतना मतलब कि एक मतलब कि पूरा शहर 2-3 घंटों में साफ कर देते हैं, आपने भी देखा होगा मैम। ये फिल्मों में भी सब कुछ सच्चाई दिखाया जाता है। कुछ लोग तो फिल्मों से इतने जुड़ चुके हैं कि उन्होंने नशा तक छोड़ दिया था। अब कुछ लोगों ने देखो आपके सामने कितने सवाल उठाए कि मतलब कि संतों को ये फिल्में जचती नहीं है, ये है वो है, लेकिन जिन्होंने फिल्म देखी नशा छोड़ दिया, उनके परिवार का कितना सुधार हुआ मैम, आगे उनके बच्चे भी सुधरेंगे। मैम आप समाज को क्या बताओगी, क्योंकि समाज ने वही देखा है जो मीडिया में दिखाया जाए। अब देखो समाज मतलब कि उसमें तो अगर उसको ज़्यादा मतलब वो दिखाते हैं ना, जो मतलब कि सच्चा संत होता है ना, ऐसे ही मतलब उसके गुरु वो शिष्य भी तो वो उसकी राह पे ही चलते हैं ना मैम। अब उनके कहने से तो मीडिया को तो जितना पैसा देते हैं वो तो वही दिखाएंगे ना मैम, हम तो नहीं ना इस चीज़ को मान सकते। क्या अपील करोगे सरकार से? हम तो ये अपील करते हैं कि हमारे पिताजी बस जल्दी से जल्दी हमारे बीच आ जाए मैम। मैम लगातार लोग पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, लगातार इनका यही कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा समाज में नहीं है, समाज में नशा फैलता जा रहा है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कुरीतियां फैल रही हैं, ये लगातार पब्लिक अपील कर रही है, लगातार अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही बता रहे हैं। आप भी सोचिएगा आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।